क्यों मैं अरे नहीं कर सकती पैसे मिलेंगे नहीं मेरे को नहीं मेरी बात सुन ना मेरे को तो टाइम वाइम का कुछ नहीं है सबसे बड़ी बात है शर्म आ रही है तेरे को यहाँ पे बोलते हुए यहाँ पे बुकिंग दिलवाएगी इसको तो रेंट के लिए कुछ भी करेगी बुकिंग दिलवाएगी इसको तेरी बेटी को अगर कोई बोले तेरे को बुकिंग दिलवाती हो अच्छा लगेगा तेरे को मेरी बेटी जैसी है ना तू मेरी बात सुन उनको मना कर राम राम सलाम सत श्री अकाल क्या हाल चाल मेरे भाइयों की उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया और भाई आज हमारे साथ यहाँ पे ये बहन है बहन क्या नाम है आपका पूजा बहन का नाम है और भाई ये यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए आई हैं उत्तराखंड से जैसे आप इनको देख रहे होगे कि बाकी उत्तराखंड की लग रही हैं क्योंकि उत्तराखंड के लोगों में ना अलग सी कशिश होती है लेकिन पढ़ाई के लिए फिर भी लोगों को दिल्ली आना पड़ता है क्योंकि दिल्ली हमारे आपको पता है क्या है तो दिल्ली के बिना भी भाई पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी मुश्किल है तो यहाँ पे इन्होंने पीजी और फ्लैट क्या ले रखा है आपने पीजी लिया रूम पीजी ले रखा है और भाई यहाँ पे जो पीजी अभी आपको पता है पीछे लॉकडाउन का काफ़ी बुरा टाइम चल रहा था तो लोगों की जॉब वगैरह भी चली गई थी तो बहन पहले जॉब करती थी जो रेंट आता था 5-6 हज़ार रुपये का रेंट दे के बाकी कुछ अपने पास चला लेती थी अब बीच में आपको पता है 2-3 महीने का लॉकडाउन लग गया था तो बहन की मतलब सभी की जॉब चली गई तो साथ बहन की भी चली गई तो उसके बाद क्या हुआ इनका जो गोल्ड वगैरह था ये भी उन आंटी ने ले लिया मतलब इन्होंने उनसे टाइम मांगा कि 1-2 महीने का टाइम दे दो लॉकडाउन लगा हुआ है भाई एक रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं ना मकान मालिक के साथ वो इन्होंने करी उसके बाद इनका भाई गोल्ड बोल्ड यहाँ से मतलब खींच लिया था आप देख यहाँ पे देखोगे ना अगर आप तो यहाँ पे इनके मतलब बहुत लाल लाल हो रखा है मतलब इतनी बदतमीजी से खींचा था अब वो ये कह रही है कि 20,000 रुपये का मेरा गोल्ड था जो दोनों थे लेकिन आंटी उनको एक ही महीने में मतलब काउंट कर रही है आप खुद सोच सकते हो कि कितनी मतलब यार कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पहले तो तुम इतनी बदतमीजी से खींच रहे हो उसके बाद 20,000 रुपये वाली चीज़ को तुम 5,000 रुपये में एक ही रेंट पे मतलब गोल्ड कितना महंगा है आप खुद समझ सकते हो बाकी क्या क्या बोलती है आपके साथ क्या क्या करती है एक बार आप हमारे व्यूवर्स को बता दो वो मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात करती है क्या बोलती हैं आपको मतलब गाली गुफ्तार करती है गली में खड़े होकर बेइज्जती करती है और मुझे ये चीज़ बोलती है कुछ मतलब उल्टे सीधे काम के लिए बोलती है ठीक है उल्टे सीधे काम मतलब क्या बोलती हैं आपको तेरी बुकिंग करवा दूंगी अरे की नहीं हूँ मुझे ये सब मतलब एक रेंट के लिए लड़की को कह रही है कि उल्टे काम करो बुकिंग आप खुद सोच सकते हो मतलब सर से बाहर चली जाती हैं हर बातें और कलोनी में आपकी क्यों बेइज्जती क्यों करी थी इंसल्ट क्यों करी रेंट की वजह से मेरी जॉब अभी चली गई है हाँ। तो फिर मैं उनसे मैंने बोला कि मेरे को टाइम दे दो पर उन्होंने मेरे को कह रही है कि नहीं मेरे को नहीं पता तभी मैं वो काम करवा दूंगी ये करवा दूंगी ये सब चीज़ें बोल रही हैं अच्छा। और मैंने उनको अपने गोल्ड भी दे दिया काफ़ी 20,000 तक का था वो अच्छा वो एक महीने में उन्होंने वो कर दिया तो फिर मुझे नहीं पता मुझे और चाहिए ये मतलब अभी तक का अगर आप उसको गोल्ड देते हो तो आप एडवांस में आपने मतलब दे रखा है रेंट बट वो नहीं मान रही ओके अभी आपको घर में घुसने दे रही है नहीं दे रही नहीं वो अभी भी मतलब लड़ाई झगड़े कह रही है पहले रेंट दे फिर घर में घुसेगी अच्छा तो भाई देखो मकान मालिक है वो उनकी बात ठीक है वो अपना रेंट लेंगे उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है रेंट देखो उन्होंने दिए उनका भी घर चलता है रेंट से लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती से कोई अगर किसी से ले रहा है एक लड़की को तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मतलब बुकिंग कराऊंगा ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती आप मकान मालिक हो इज्जत से ले लो एक महीने के बाद 5 की जगह 10,000 रुपये ले लो वो बात समझ आती है बट आप इतनी ज्यादती करोगे एक लड़की के साथ लड़का होता चलो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है एक लड़की के साथ तुम इतनी ज्यादती कर रहे हो और ख़ुद भी लेडीज़ होके तो वो चीज़ें यार हजम नहीं होती अब आप बताओ ये बहन अपने घर पे बोलेगी कि मेरे मतलब मकान मालिक मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं इसको तो भाई इसके मम्मी पापा बुला लेंगे फिर बीच में करियर किसका ख़राब हो जाएगा इसी लड़की का समझ रहे हो तो भाई इसने आंटी को यहाँ पे बुलाया कि आंटी मैं आपका यहाँ पे आज रेंट देने वाली हूँ तो आंटी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाली हैं देखते हैं आंटी यहाँ पे क्या क्या बातें करती हैं बाकी अगर वो नहीं मानेंगी तो हम अपने तरीके से आंटी को पूरा समझाने और सिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो में आपको जो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में हाँ क्यों बुलाया यहाँ अरे आंटी मुझे ना बस बात करनी थी तुमसे तुम मेरी कॉलोनी में इतनी बेइज्जती करती हो मुझे मेरा रेंट दे तुमने रेंट के लिए बुलाया मेरे को यहाँ रेंट के लिए बुलाया पर मुझे कुछ बात करनी थी ना तुमसे मेरे को कोई भी बात नहीं करनी तेरी तुम इतनी मेरी कॉलोनी में इतनी बेइज्जती करवा दी इसलिए मैंने तुम्हें पार्क में बुलाया तो फ्री में तो रह नहीं रही तो मैंने आपको पैसे भी तो दिए थे ना अरे मेरी बात सुन तेरे को मैं फ्री में रखूंगी अपने यहाँ छोड़ फ्री में रखूंगी तेरे को वहाँ पर तो ये बता अरे मेरी बात तो सुन लो अरे हाथ अटा पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज मुझे माफ मैं कोई माफ देखिए हाँ बोल मैं आपसे ये कह रही हूँ मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे मैं कोई टाइम नहीं दे रही थोड़ा सा टाइम मेरे पास कोई टाइम नहीं है मेरे को तू रेंट दे रही है तो दे और मैंने आपको भी 20,000 रुपए का गोल्ड दिया था तो वो खत्म हो गया रह नहीं रही 3 महीने से तो खत्म हो गया पर फिर भी कम से कम तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी मुझे पैसों के लिए बुलाया तूने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे चल पीछे हो जा यहाँ से चल पीछे हट जा मेरे से मेरे को रेंट दे रही है नहीं दे रही ये बता
आंटी ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं ऐसे ही करूंगी, मेरे को रेंट दे रही है नहीं दे रही, मेरे को रेंट के लिए बुलाया ना तूने? मैं आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात नहीं, मेरे से आराम से बात नहीं होगी। तूने मुझे रेंट के लिए बुलाया, आंटी रेंट दे रही हो, मैं आ जाओ आप तो। मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं बस। मेरी बात सुन, मेरे को तो टाइम वाइम का कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है ठीक है। इतनी तू वो बन रही है ना, मेरे को रेंट चाहिए, नौटंकी मत दिखा मेरे को। अरे मैं आपको दे दूंगी, पर मेरे को मौका तो थोड़ा तो टाइम चाहिए ना। नहीं मेरे पास टाइम है ही नहीं, तू रह रही थी ना तो मुझे रेंट चाहिए। मेरे पास अभी कहाँ से लाऊं मैं, मेरे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रखी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मेरी जॉब भी छूट गई है। तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या करूँ इसमें, ये बता मेरी क्या गलती है इसमें? तू यहाँ पढ़ने के लिए आई है, मेरी गलती तो नहीं है ना? तो मैं आपसे सिर्फ टाइम ही तो मांग रही हूँ, मैं कौन से कह रही हूँ? चल अच्छा फिर ऐसे करो, चल तेरे को मैं जगह लेकर चलती हूँ, वहाँ पे काम कर तो तेरे को पैसे मिलेंगे। मैं पता नहीं कैसे काम के लिए बोल रही हूँ, मैं वैसे काम नहीं करती हूँ ठीक है। नहीं मैं बहुत अच्छी घर की लड़की हूँ, मैं अरे नहीं कर सकती, पैसे मिलेंगे। नहीं मेरे को जॉब नहीं है ना वहाँ पे, बहुत अच्छी जॉब। नहीं मेरे को, अरे मुझे नहीं करवानी है ना, मेरा हाथ छोड़ो। अरे चल तू, अरे नहीं करवानी, मुझे वो चीज नहीं करनी है प्लीज। मेरे को बस आंटी मौका दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तेरे को मेरे को रेंट मिल जाएगा, तेरे को भी पैसे मिल जाएंगे। नहीं 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 मैं वहाँ नहीं, चल तू चल, अरे नहीं चल वहाँ पे, अरे नहीं बाल पकड़ के लेके जाऊंगी, चल वहाँ पे चल चल। नहीं जाएगी तू, वहीं पे जाके लगेगी और वहाँ से पैसे मिलेंगे बहुत सारे। अरे नहीं मुझे नहीं, तू सही, अरे हाथ तो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ना। नहीं वहीं पे जा, मुझे पैसे पैसे नहीं चाहिए, वहीं पे ही जा और वहाँ पे बहुत पैसे मिलेंगे। अरे पैसे पैसे नहीं चाहिए, चल वहाँ चलो लेके चलो। अरे चल तो सही ना, वहीं लेके चल। अरे क्या हो गया, हेलो आंटी क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हो, क्यों खींचम खाचे लगा रखी आपने, पागल हो रखे हो क्या, दिमाग खराब है आपका? कौन है? नहीं मैं कोई भी हूँ, क्या कर रहे हो, लड़की को मार कैसे रहे हो, लड़की को कैसे मार रहे हो, बहन है मेरी हो, कैसे कहाँ से रिश्तेदार रखी आपकी, रिश्तेदार कैसे लगती है, कहाँ रहती है, नाम पता है आपको कहाँ से आई, कुछ पता है? ऐसे ही रिश्तेदार है, रिश्तेदार को ऐसे मार, नहीं रिश्तेदार को कोई ऐसे मारता पार्क, मैं क्या कह रहा हूँ, रिश्तेदार को कोई पार्क में ऐसे मारता है? आपकी तरह पागलों की तरह बाल बाल खींच के उसको क्या कर रखा है उसका? मैं कोई भी हूँ, मैं भाई हूँ उसको, पता आप क्या करेगी, इतनी मार क्यों रही थी, मार क्यों रही थी, कोई ना मार रही थी, मैं और क्या कर रही थी बता, इसको क्या कर रही थी, मारी तो रही थी तो, और क्या कर रही थी, मैं दिख नहीं रहा, अंधा हूँ मैं यहाँ पे, सारा पार्क तेरे को देख रहा है, कोई आ नहीं रहा तेरे सामने, यहाँ पे शर्म है तेरे में थोड़ी सी, नहीं है? क्या बोल रही थी, इसको मार क्यों रही थी, मेरे को यूँ बता, मार क्यों रही थी? नहीं नहीं खरीद रखा है तूने इसको, नहीं तेरे यहाँ पे रहती है तो खरीद रखा है, कुछ भी करवाएगी, क्या बोल रही थी इसको, कहाँ पे बुकिंग दिलवाएगी इसको, नहीं नहीं बुकिंग कहाँ पे दिलवाएगी इसको, मैं कोई भी हूँ, ओए मैं कोई भी हूँ तो इसको बुकिंग कहाँ दिलवाएगी, कहाँ बुकिंग दिलवाएगी, मेरी दिलवा दे बुकिंग, ज्यादा चोरी हो रही है, शर्म आ रही है तेरे को ये सारी बातें बोलते हुए, शर्म आ रही है तेरे को, शर्म आ रही है तेरे को यहाँ पे बोलते हुए, कहाँ पे बुकिंग दिलवाएगी इसको, कहाँ पे कहेगी, ये नौकरी होती है, तूने इसको क्या बोला, मैं तेरे को बुकिंग दिलवाती हूँ सारी लड़कियां करती, तेरे को शर्म आ रही है, तेरे को शर्म आ रही है, नहीं आ रही, बोल कैसे रहा है पहले मेरे से, तो तू मार कैसे रही है, मार कैसे रही है, कितने का गोल्ड ले लिया तूने इससे, सारा बता रखा है इसने मेरे को यहाँ पे, कुछ ना दिया इतने लड़की ने क्या, 10-12 जाके ये इसके कान क्या है, क्या है खींचा किसने गोल्ड, गोल्ड किसने खींचा है, 10-12 की 20,000 रुपए की उसकी गई है, तेरी गई है यहाँ से, चोरी हो रही तेरे में यहाँ से, यूँ खींचू अच्छा लगेगा तेरे को, तेरे में तू तो चोर से बदतर है, चोर से ही बदतर है तू, नहीं नहीं ओए सुन ले, तेरे में यहाँ से यूँ खींच लू तेरे को अच्छा लगेगा, तेरे कान खराब हो जाए पता लग जाएगा तेरे को, नहीं शर्म आ रही है तेरे को, शर्म आ रही है तेरे को, सोसाइटी में तू इसको बेइज्जती करती है, क्यों तूने खरीद रखा इसको, सारी बता रखी, ओए इधर बात कर ले, क्यों मार रही है अभी हाथ लगा के दिखा, देखते बकवास कर रही है, मारती क्यों इसको, मारती क्यों इसको, मैंने तो रेंट मांगा, मारती क्यों इसको, जब इसने मेरे को कहा रेंट दूंगी आ जा पार्क में, क्यों इसको रेंट के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी करवाएगी, बुकिंग दिलवाएगी इसको, तेरी बेटी को अब बुरा मत मानियो, तेरी बेटी को अगर कोई बोले तेरे को बुकिंग दिलवाती हो अच्छा लगेगा तेरे को, बोलू तेरी बेटी को, ये भी तो बहन जो किसी की बेटी है, कहां से आई है पढ़ने के लिए, कहां से आई है, कहां रहती तू, तू कहां रहती है, यही रहती है ना, कहां से आई, कितना दूर है उत्तराखंड, पता भी है तेरे को, पता है ये तेरी माँ जितनी है तेरे से, तेरी माँ से छोटी है ये, माँ जितनी है, माँ जितनी है तू, और तू क्या हल कर रही है इसका, मार रही है पार्क में, हरामजादी कह रही है अपनी बेटी को, यूं बोलती है तेरे को, इसने कितने पैसे दिए तेरे को, अभी तेरे को पता नहीं था पीछे लॉकडाउन था, मकान मालिक है इसका मतलब है कुछ भी करवा देगी, मकान मालिक है ना तू, इसने मेरे को यहाँ किस लिए बुलाया, कह रही रेंट दे रही हूँ आंटी, आ जा, पहले तेरे को पैसे इसने दिए 20,000 रुपए का गोल्ड, कितने महीने का, 4 महीने का रेंट होता है, 1 महीने में काउंट कर लिया उसको, चूतिया बना रही है इसका, उत्तराखंड से आई है तो कुछ भी कर लेगी इस लड़की के साथ, अपने माँ बाप को बोलेगी कि मेरी लड़कियाँ यहाँ पे यू करा रही है, उसके बुला लेंगे उसके माँ बाप वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई खराब करना चाहती है इसकी, तेरे को सिर्फ अपने पैसों के साथ मतलब है, तेरे में शर्म है थोड़ी, घर में कौन कौन है तेरे, तेरे घर में कौन कौन है, एक मिनट मेरी बात, हाँ बोल, हाँ बोल, इसने
मेरे को कहा कि यहाँ आ जाए। हाँ, मैं नहीं बोला था इसको, बोल यहाँ पे आने के लिए। तूने पैसे कितने लिए ये तो बता, पहले भी तो पैसे लेके बैठी हुई है मकान रह रही है ना, रह रही है तो तभी ले रखे। तो अभी तो इसको दो दिन से तू घर पे भी नहीं छोड़ रही। तूने उस दिन सोसाइटी में क्या कर रहा था इसने तेरे साथ? बेइज्जती कर दी। क्यों? तेरी यहाँ पे मैं पार्क में खड़े होकर सबके सामने बेइज्जती करूँ अच्छा लगेगा पैसों के लिए? है 100 बंदों में तेरी बेइज्जती करूँ? 100 बंदों में तेरी? भैया मत बोलो, आप तो मेरे को कुछ भी मत बोलो। भैया बोल रहे हो इसको बेटी जैसे समझ नहीं रहे हो, मेरे को भैया बोल रहे हो क्यों? लड़की है कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी करते जाओगे। आप ये बताओ जो असूलन बात बनती है, असूलन का मतलब ये है कि आप अपना रेंट लो खत्म। आपको लड़की ने दे दिया 20,000 रुपए का गोल्ड। अच्छा गोल्ड दो, मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ, गोल्ड दो। कहाँ गया, कितने का बेचा है? झूठ मत बोलो। झूठ दिया किसने? इसने दिया। गोल्ड किसका गया है? इसको पता है ना कितने का है? गोल्ड कम होता है बढ़ता है? नहीं, अच्छा बेचने में गोल्ड कम होता है? कितना कम होगा? 10,000 रुपए कम हो जाए। ज्यादा ना ज्यादा सिखाओ पढ़ाओ मत मेरे को, ज्यादा सिखाओ पढ़ाओ मत मेरे को, समझ आ रही है? जितना आपको पता है ना, मेरे को पता है मेरे को कहाँ पे खड़े होकर बात करनी है। हाँ तो ज्यादा चिल्लम चिल्लाई नहीं। गोल्ड दे, कहाँ पे बेच के आई है? कहाँ पे बेच के आई है? कौन से सोनार के बेच? नंबर दे मेरे को भी पता लगे 10,000 रुपए का बेच के आई है कहाँ पे। चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी में। कहाँ? लॉकडाउन से पहले कहाँ बेच दिया तूने? लॉकडाउन में तो तूने लिया। झूठ बोल रही है, चूतिया बना रही है। हो गया था, खत्म हो गया। मेरे को रेंट दिलवा दे और मैं जाऊँ। काय का रेंट? नहीं है रेंट। क्यों? 20,000 रुपए दे इसके। तू तो 2 महीने एडवांस चल रही है और उससे उल्टा तू रेंट ले रही है। तेरे में शर्म है थोड़ी सी? मकान मालिक का मतलब ये भेंचो के साथ कुछ भी कर लो। चूतिया लड़की है, बुकिंग दिलवा रही है लड़की को। तेरे में शर्म आ रही है थोड़ी? आंटी है, काम नहीं है। मैं चल आते तो काम दिलवाओ। मैं तो काम कहा था इसको, बुकिंग कहा था। क्या बोला था बच्चा इन्होंने आपको? और आपने बोला कि मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, तो आपने क्या, इन्होंने क्या बोला आपको? नहीं है तो चलते हैं सब ऐसे ऐसे करके। तेरे में शर्म आई? तेरी बच्ची को कोई भेंचो बुकिंग दिलवाए तेरे को सही लगेगा? बेशरम पंथी की हद होती है। और जितनी आपने बकवास अपनी सोसाइटी में करी थी ना 100 लोगों के सामने, अभी आपको ना वो देखो कितने 1,00,000 लोग देख रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रही है आपको? कैमरा लगवाया? नहीं तो आपसे पूछ के लगवाएंगे यहाँ पे। आप इसके साथ भेजो, पता नहीं क्या से क्या कर रहे हो। आप कह रहे हो यहाँ पे कैमरा लगवा रखा है? कितने का बेचा है? सच बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ रहते हो ना, मैं एक एक दुकान वहाँ पे जितने आपके सोनार रहते हैं ना, मैं एक एक के पास आपकी फोटो निकाल के लेके जाऊंगा कि कोई बेचने आया नहीं। सच बता दो यहीं पे, झूठ मत बोलो। जहाँ पे आप का बिका था गोल्ड इसका, तो आपने क्यों बोला 10 का बेचा है? और आपने बेचने के लिए किसने बोला था आपको? तो मेरे पास पैसे नहीं थे। क्यों बेचो? गरीब हो गए? आपकी हालत से लग नहीं रहा कि बिल्कुल गरीब हो? नहीं, नहीं लग रहा। तो मुझे जरूरत थी पैसे। जरूरत थी तो कुछ भी, बुकिंग क्यों करवा? नहीं नहीं, बुकिंग का क्या मतलब मैडम? देखो भैया मत बोलो इतना, अभी सुधरो मत। जितना कैमरा देख के सुधर रहे हो, इतनी इतनी इज्जतदार मेरे को आप लग नहीं रहे, समझ आ रही है आपको? सुन ले, क्या बोल रही है? ओए लड़के बात सुन, सुन ले मेरी बात। हाँ। कितने पैसे लिए? 17 का बिक गया। हाँ। 5,000 का रेंट है, कितने हो गए? तो 2 महीने का रेंट मिल गया, मिल गया। 7,000 रुपए तो तेरे पास एक्स्ट्रा है, फिर क्यों इसकी जिंदगी खराब कर रही है? फिर क्यों जिंदगी खराब कर रही है इसकी? ये रेंट कब देगी? मैं तो जब देगी, जब देगी ना, 1 महीना तो छोड़ना। 7,000 तो तूने एडवांस ले रखे हैं, तेरे को सारे देख रहे हैं वहां पे। तू रेंट के नाम पे क्या क्या करवा रही है लड़कियों से? तेरे पास आज के बाद तो कोई रहने भी नहीं आएगा तेरी शक्ल देख के। अभी भी तेरे में शर्म नहीं आ रही? अभी भी तेरे में शर्म नहीं आ रही? क्योंकि शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं अंदर। आज के बाद देखो कोई हरकत हो गई ना, मैं वीडियो ना एक एक जगह पे भेज दूंगा आपकी कॉलोनी में, जहाँ पे भी रहते हो, फिर सारे देखेंगे कि आपकी हरकत कैसी है। समझ आ रही है? जो आप कह रहे थे ना बुकिंग की बातें, ये वो सबके एरिया में जब पता लग जाएगा ना आप कैसे हो, फिर आपको पता लग जाएगा इज्जत क्या होती है। अभी आपको इज्जत का कुछ पता ही नहीं है। इज्जत का ए पता है क्या होता है? इज्जत का ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? सोसाइटी में रहते हैं। हाँ तो सोसाइटी के लड़के ऐसे काम करते हैं, लड़कियों से उल्टा काम करवाते हैं? आपको पता नहीं हम लोग इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। तो अच्छी सोसाइटी वाले ये काम कराते हैं, लड़कियों को बुकिंग दिलवाते हैं? शर्म आ रही थी आपको बोलते हुए? आपकी बच्ची जितनी आप इसके साथ ही करते जा रहे हो बकवास 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 बकवास, थोड़ी शर्म कर लो। इतने बड़े हो अभी भी शर्म नहीं आ रही आप में? कोई बात नहीं भाई, चलते रहने दे, चलते। और मैडम आप जाओ इनके यहाँ पे, अगर फिर भी इन्होंने कोई बकवास करी या कोई हरकत। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी जैसी है ना, तू मेरी बात सुनो, उनको मना कर दे, कैमरा नहीं डालेंगे, सोसाइटी में मेरी भी इंसल्ट होगी, ये बता जरा। तो आपने इतनी इंसल्ट कर, मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, तुमसे मना कर दे, क्या नहीं दिलवाएंगे कहीं पे, ना भेजेंगे कहीं पे। और तेरे गोल्ड की हैगी, तू मेरे घर में रह 2-3 महीने रह, कुछ नहीं होता, तू मेरी बेटी के जैसी हैगी ना, मना कर दे बेटा। तो आप कहाँ पे बुकिंग दिलवाओगे इसको? नहीं बुकिंग, माफ़ कर दो। नहीं तो पहले आपने करे थे ना ये सारे अश्लील काम, करे थे ना आपने, आपको शर्म आई जब? नहीं अभी शर्म आ रही है? उसकी जब इंसल्ट करी थी 100 लोगों के सामने सोसाइटी में, जब इसको कैसे लगा होगा? जब कैसे लगा होगा? नहीं जब कैसे लगा? नहीं मेरे से क्यों मांग रहे हो? इसी से मांगो, मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाँ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मत डालेंगे, शर्म कर लो यार थोड़ी सी। और लड़की आज के बाद जाना, अगर कोई हरकत करे ना, मेरा जो नंबर है ना उस पर फोन कर देना, फिर आंटी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, बहुत प्यार से बताऊंगा अगली बारी।
हरकत नहीं होनी चाहिए अगली बारी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगली बारी इतनी प्यार से समझाऊंगा ना, इतनी प्यार से आपको आज तक किसी ने समझाया ही नहीं होगा, इतनी प्यार से किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैं अगली बारी सिखाऊंगा आपको। अच्छा, मैं आपको समझ आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मत सिखाओ, मेरे को ओए हेलो, मेरे को मत सिखाओ मेरे को क्या करना है क्या नहीं। अगली बारी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मेरे दिमाग में डाल दो बात, निकलो बस, निकलो निकलो निकलो, ये अपने आप आ जाएगी, निकलो बेशरम, शर्म कर लो थोड़ी सी। आपके सामने उसको बता दिया और आपका गोल्ड कितने में बेचा आपको पता लग गया है ना, तो आप अभी यहाँ पे जाके 2 महीने रहो। देखो मकान मालिक है, उसका रेंट देना बनता है। बाय चांस अगले महीने आपके पास रेंट ना हो, आप मेरे को बता देना, 1 महीने का रेंट मैं आपको दे दूंगा, आप उनको दे देना, जब आपके पास होंगे आप मेरे को दे देना, ठीक है। रेंट के लिए आपको उल्टे काम करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आप अच्छे घर से लग रहे हो, बाहर से पढ़ाई करने के लिए आए हो तो आप अपना पढ़ाई में ही मन लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जाओ, बैग उठाओ, कोई नहीं, आप अपना जाओ, ठीक है। और भाई वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी, कुछ भी समझ आया होगा तो भाई प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कल 4 बजे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।